देखिए बच्चों, जो अब तक हमने जो पढ़ाया है आपको कक्षा 10 में फिजिक्स में, उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसका जवाब आपको देना है। हम देखना चाहते हैं कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम ये क्वेश्चन दिए हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताए हैं, उसका निगमन भी किए हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन के बारे में आप बताएंगे, और रेखीय आवर्धन का ही एक क्वेश्चन दूसरा मैं दे दिया हूँ कि m बराबर माइनस v बाय u बराबर i बटे, तो इसको आप फिगर बना करके निगमन करके तब हमें बताइएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु का फोकस दूरी क्या, वही जो दर्पण था उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चौथा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या दिया है तो आप फोकस दूरी निकाल देंगे। फोकस दूरी निकालने के बाद उसको ठीक सॉल्व कर देंगे। सूत्र आपको पता होगा, क्या लगाएंगे सूत्र में, देखिए 1 बाय u प्लस 1 बाय v बराबर 1 बाय m। इस सूत्र के आधार पे आप सवाल, इन दोनों सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।